नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपके पास भी यहाँ पे Oppo कंपनी का फोन और दोस्तों यहाँ पे आप अपने फोन में डेवलपर मोड को चालू करना चाहते हैं और यहाँ पे आप डेवलपर मोड की सेटिंग्स करना चाहते हैं, जैसे कि OEM अनलॉकिंग की सेटिंग, USB डिबगिंग की सेटिंग या फिर दोस्तों DPI सेटिंग और भी बहुत सी मोस्टली सेटिंग्स हैं जो आप करना चाहते हो, तो आप कैसे कर पाएंगे आइए जानते हैं। और ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, कैसे आपको उसको चालू करना है, सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। और इस तरीके को दोस्तों आप मोस्टली फोन में यूज कर अपने डेवलपर मोड की सेटिंग कर सकते हैं और आप इन सभी सेटिंगों को कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास जो ओप्पो कंपनी का फोन है, इसका मॉडल नंबर OPPO A78 5G। और इस ट्रिक को दोस्तों आप मोस्टली फोन में भी यूज कर पाएंगे, चाहे वो आपका ओप्पो का हो, वीवो का हो, रेडमी का हो या फिर और अदर एंड्रॉइड मोबाइल। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सिंपली अपने फोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है, तो आप अपने फोन की सेटिंग को ढूंढ के इसको ओपन कर लेना है। फिर आपके सामने दोस्तों आपके फोन की सेटिंग ओपन होगी कुछ तरीके से। यहाँ पे दोस्तों आपको अपने पेज को स्लाइड करना है ऊपर की तरफ। जैसे दोस्तों अपने पेज को स्लाइड करेंगे ऊपर की तरफ, यहाँ पे आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको अपने पेज को स्लाइड करने के बाद यहाँ मिलेगा अबाउट फोन वाला ऑप्शन, यानी कि अबाउट डिवाइस वाला ऑप्शन, तो आपको इस पे करना है टच। इस पे टच करने का दोस्तों आपके सामने कुछ इंटरफेस शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपने पेज को स्लाइड करना है ऊपर की तरफ, इधर मिल जाएगा वर्जन वाला ऑप्शन, यानी कि अपने फोन में इस ऑप्शन का आपको ढूंढ लेना है। या फिर दोस्तों आप सिंपली सबसे बढ़िया सीधा सीधा ये वाला ऑप्शन को ढूंढ सकते हैं, बिल्ड नंबर वाला। अगर आप दोस्तों सर्च करेंगे यानी कि यहाँ पे इस तरीके से बैक आ जाएंगे अपने फोन की सेटिंग में, जब आएंगे तो यहाँ पे आप टाइप करते हैं बिल्ड। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे लिखेंगे बिल्ड नंबर, तो आप देखिए सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप इस पर टच करके भी सेम इसी पेज पे आ सकते हैं। तो आपको अपने फोन में ढूंढ लेना है बिल्ड नंबर वाला ऑप्शन, तो आपको इस पर कंटिन्यू टच करना है 7 से 8 बार इस तरीके से। ऐसे टच करने का दोस्तों यहाँ पे आपके सामने देखिए कुछ तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपने अपने फोन पे कोई भी स्क्रीन लॉक लगा रखा है, पैटर्न लॉक या पिन नंबर, तो आपको वो यहाँ पे मेंशन कर देना है और इसको परमिशन दे देना है। इसके बाद आपके सामने शो हो जाएगा यू आर नाउ इन डेवलपर मोड, यानी कि आपको यहाँ पे डेवलपर मोड चालू हो जाएगा इस तरीके से। फिर आपको अपने पेज को इस तरीके से कर लेना है बैक। फिर से बैक करने के बाद दोस्तों अपने फोन की सेटिंग में जब आप आ जाएंगे, तो यहाँ पे दोस्तों आपको मिल जाएगा एडिशनल सेटिंग वाला ऑप्शन, तो आपको इस पे करना है टच। इसके अंदर दोस्तों आपको मिल जाएगा डेवलपर ऑप्शन, तो आपको इसको ढूंढ के ओपन कर लेना है, या आप इसको जैसे हमने इसको सर्च किया था सर्च करके भी डेवलपर ऑप्शन को चालू कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ से इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके फोन का डेवलपर मोड चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे आप चाहे तो इसकी डेवलपर मोड के ऑप्शन की सेटिंग कर पाएंगे, जैसे कि अगर आपको यहाँ पे करना OEM अनलॉकिंग ऑन, तो आपको इस पर टैप करना है। फिर आपने अगर स्क्रीन पे कोई लॉक लगा है उसको आपको मेंशन कर देना है और आपको इसके बाद कर देना है इसको अनेबल। आप यहाँ पे OEM अनलॉकिंग ऑन हो जाएगा, इसको बंद करना चाहते हैं यहीं से इसको आप बंद भी कर सकते हैं। इसी तरीके दोस्तों यहाँ पे कई सारी ऑप्शन है, कई सारी सेटिंग्स है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट जो है सेटिंग्स मिल जाएंगी, जैसे कि कीप स्क्रीन ऑन व्हाइल चार्जिंग। अगर दोस्तों आपका फोन चार्जिंग पर लगा हो तो आपके स्क्रीन की लाइट जो है चालू रहे, तो आप इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं इसको यहाँ से ऑन करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इसको आप डायरेक्टली ऑफ भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कई सारी सेटिंग्स मिलेंगी, आपको जो सेटिंग अच्छी लगे उसको आप कर लीजिएगा। जैसे कि हमें कई बार को USB डिबगिंग को चालू करना होता है, तो हम इसको यहाँ से इसको इस तरीके से ऑन कर सकते हैं इसको ओके करके। तो यहाँ पे हमारा USB डिबगिंग मोड चालू हो जाएगा। फिर आपको अपने पेज को स्लाइड करना है ऊपर की तरफ, यहाँ पे देखिए और भी आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जो आपको इंपॉर्टेंट लगे या फिर जो भी ऑप्शन आपको अच्छे लगे, तो आप उसको यहाँ पर ढूंढ कर फिर इस तरीके से उसको चालू कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप करना चाहते हैं DPI सेटिंग, तो इसके लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा स्मॉलेस्ट विद नाम से ऑप्शन, तो आप इस पर टच करके अपने फोन की DPI सेटिंग कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अभी हमारा जो सेट है वो 360 DPI है, तो आप इसी पर टच करना है, इसको कट करके यहाँ पे अपने अनुसार कोई भी DPI सेट कर लेनी है। फिर आप उसको सेव कर लेना है, जितना आप उसको अपनी DPI रखनी है आप उसको भरने के बाद, मेंशन करने के बाद इसको आपको कर लेना सेव। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए और भी कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, कई सारे यहाँ पर सेटिंग्स करने के लिए ऑप्शंस शो हो रहे होंगे, तो आपको जो जो सेटिंग्स इंपॉर्टेंट लगे, जो भी अच्छी लगे, तो आप उसको यहाँ से चालू कर सकते हैं। इस तरीके दोस्तों आप अपने ओप्पो के फोन में DPI सेटिंग कर सकते हैं, डेवलपर मोड को चालू कर सकते हैं। या फिर दोस्तों अगर आपके फोन में कई बार को ऐसा होता है कि लाइनिंग सा आता है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके, जैसे हम इसको चालू कर देंगे पॉइंटर वाला ऑप्शन, तो जब भी आप अपनी स्क्रीन पर कहीं भी टैप करते हैं इस तरीके से, तो आपको इस तरीके से ऑप्शन आएगा और यहाँ पे ऊपर कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। अगर ये सेटिंग ऑन हो जाती है गलती से, तो आप इस तरीके से यहाँ पर आकर पॉइंटर लोकेशन को कर देंगे बंद, तो आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है दोस्तों, इसमें आपको कई सारी सेटिंग काम की मिल जाएंगी, आप देख के उसको अपने अनुसार सेटिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।